जय हिंद दोस्तों, मैं विशु आर्य स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल नीलेश डिफेंस कैरियर पर। और जैसा कि आपका चैप्टर चला हुआ था आयु, जिसमें मैंने आपको बेसिक क्वेश्चन कराए थे, पहला क्वेश्चन क्या था कि दो राम और श्याम की आयु का अनुपात और योग दिया था, फिर राम और श्याम की आयु का योग वो अनुपात दिया और फिर अंतर दिया, फिर गुणनफल दिया, अंतर वो दिया गुणनफल के बाद राम और श्याम की आयु निकालनी थी। फिर मैंने करा था दो व्यक्तियों की आयु ए और बी की आयु 2:3 है, फिर 3:4 हो जाती है। मतलब कल लास्ट जो हमारा टॉपिक चला था आयु के अंदर 14वां क्वेश्चन, जो एक बार मैं दोबारा रिपीट करा रहा हूँ आपका 14वां क्वेश्चन एक बार दोबारा रिपीट करा रहा हूँ कि नीलेश और विशु एक बार दोबारा देखें। फिर यहाँ से अगला क्वेश्चन हम बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की साइड बढ़ेंगे दोस्तों, कि नीलेश और विशु, मतलब नीलेश और विशु की जो आयु का अनुपात था, वो क्या कहा था आपको कि 9:10 था, 9:10। और फिर क्या कहा, इसका मतलब ये वर्तमान में है। और फिर क्वेश्चन में कहा क्या कि 4 साल के बाद उनकी आयु का अनुपात 11:12 हो जाता है। 9:11 हो जाता है। तो देखो क्या हुआ, अंतर 9 और 11 में अंतर लिया 2 का, 10 और 12 में अंतर लिया 2 का। और यहीं पर अगला क्वेश्चन हमारा कनेक्ट होता है कि ये अंतर यहाँ 2 का आ जाए और यहाँ 3 का आ जाए, तो उसको बराबर कैसे करना है। और 2 किसके बराबर 4 के, तो 1 बराबर 4/2 और 2 से ये 2 बार कट गया, तो 1 का मान 2 आ गया। तो नीलेश की आयु पूछ लिया, तो 9 अनुपात थे नीलेश के पास, तो 9 का 2 से गुणा किया, 9 × 18 वर्ष नीलेश की आयु आ गई। अगर विशु की पूछता तो 10 × 20 आयु। और यहीं से चलते हैं अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब क्या दिया, राम तथा मुक्ता, मतलब दो नाम दिए, राम दिया और मुक्ता दिया। राम और मुक्ता की आयु का अनुपात 3:5 है, मतलब राम के पास 3 अनुपात है और मुक्ता के पास 5। इसका मतलब कब है ये, वर्तमान में। कब है ये अनुपात, वर्तमान में। फिर क्या कहा, फिर कहा क्या इसमें कि 9 वर्ष के बाद के लिए नीचे लिखेंगे, और कितने साल के बाद, 9 साल के बाद। देखो ध्यान से देखो क्वेश्चन में चेंजिंग क्या आया, 9 साल के बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4, ये बाद हुआ 3:4। क्या करो, अंतर देखो, 3 और 3 का अंतर 0, 5 और 4 का अंतर 1। यहीं से क्वेश्चन चेंज हुआ, पहले क्या था, अंतर 1 और 1 आया हुआ था, मतलब बराबर था, अब की बार अंतर चेंज हो गया। तो क्या करेंगे, इस 5 और 3 का अंतर देखो 2 बना, और 4 और 3 का अंतर देखो 1 बना, 4 और 3 का अंतर 1 बना। तो क्या करें, अपोजिट गुणा कर लो, ऊपर तो 1 अंतर की और नीचे 2 की, ऊपर तो 1 की गुणा करें और नीचे 2 की गुणा करें। अब 3 का गुणा 1 में 3 = 3, 5 = 5, फिर नेक्स्ट 2 × 6 और 2 = 8, 2 × 6 और 2 = 8। अब अंतर क्या हो गया, 3 और 6 में 3 का अंतर और 5 और 8 में 3 का अंतर, अंतर बराबर नहीं था। तो क्या किया, अंतर को बराबर करके लाए, और जहां अंतर बराबर हुआ तो हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। सारे के सारे क्वेश्चन आज इसी पैटर्न पे चलेंगे। और 3 किसके बराबर, 9 के, 3 का मान 9 के बराबर, तो 1 का मान 9/3, 9/3 और 3 से 1 = 3 बार, 3 से 1 = 3 बार कटा। अब इसने क्या कहा, 3 बार, तो इसने क्या कहा, मुक्ता की वर्तमान आयु। तो मुक्ता के पास कितने अनुपात है, 5। यहाँ भी 5 थे लेकिन चेंज होकर कितना है, 5 गुणा यहाँ करनी है। क्यों करनी है, क्योंकि कभी कभी ये वैल्यू 5 से 10 भी आ सकते हैं, 15 भी आ सकते हैं, इसलिए इधर ली साइड में वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 का गुणा 5 से किया, तो 3×15 = 15 वर्ष, मतलब सी ऑप्शन दोस्तों क्या आपका सही है। दोबारा देखें क्वेश्चन को, क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंट है, 3:5 था, 3:4 आया, 9 साल के बाद, 3 और 3 का अंतर किया 0, 5 और 4 का अंतर किया दोस्तों 1। जब अंतर यहाँ 0 यहाँ 1, अंतर बराबर नहीं आया, तो अंतर को बराबर करना है कैसे, इसके और इसके बीच का अंतर 2, इसके और इसके बीच का अंतर 1, ऊपर 1 से गुणा और नीचे 2 से गुणा, तो 1 × 3 = 5, 2 × 6 = 2 = 8,
छः का और तीन का अंतर देख लिया, तीन पाँच का और आठ का अंतर देखा, तीन और तीन यूनिट किसके बराबर, नौ के, एक बराबर तीन के, तो पाँच तिया पंद्रह वर्ष। अगर आपसे राम की पूछता तो तीन का तीन में गुणा नौ वर्ष। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दो भाई हैं, मतलब ये फर्स्ट भाई है, पहला भाई है और ये सेकंड भाई। दो भाइयों की आयु का अनुपात एक अनुपात दो है, फिर क्या कहा, पाँच वर्ष के बाद, बाद वाली लाइन नीचे चलेंगे, ये वर्तमान लाइन होती है, लेकिन वर्तमान बहुत ही कम लिखता है। पाँच साल के बाद इनके आयु का अनुपात एक अनुपात दो हो जाता है। भाई ये चेंजिंग है क्वेश्चन के अंदर, शायद एक अनुपात दो नहीं, एक अनुपात तीन है, एक अनुपात तीन हो जाता है। तो एक बार अंतर चेक करो, एक बार अंतर चेक करो आप, एक और एक में जीरो का अंतर, तीन और दो और तीन में एक का अंतर, अंतर अलग अलग है, तो क्या करो, तीन और एक में अंतर देखा दो का, एक और दो में अंतर देख लिया एक का, तो ऊपर तो गुणा करो उल्टे की, मतलब दो की, और नीचे गुणा करो एक की, दो की एक में गुणा दो ही कम दो, और दो की दो में चार, तीन की एक, एक की ती, एक की एक में एक और एक तिया तीन। देखो दो और एक में अंतर एक का, चार और तीन में अंतर एक का, और एक किसके बराबर, पाँच साल के, एक किसके बराबर, पाँच के। तो पूछ किसका लिया, तो बड़े भाई की आयु बताओ। अब जो बड़ा भाई दिख लिया हमें, तो बड़े एक पर अनुपात दो है और एक पर चार, तो बड़ा ये होगा कि ये होगा, चार वाला क्या होगा, बड़ा होगा, और एक अनुपात का मान पाँच, तो पाँच में क्या किया, पाँच में क्या किया, चार की गुणा कर दो, पाँचों बीस वर्ष, पांचों बीस वर्ष। तो बड़े भाई की जो आयु आ गई वो बीस वर्ष आ गई दोस्तों, ऑप्शन बी क्या है सही। यहाँ पर आप चेंज कर लेना, एक दो था तो एक अनुपात तीन हो जाती है। नेक्स्ट चले इसी तरह का क्वेश्चन। एक पिता की आयु पुत्र की आयु के तीन गुणी है, दस वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की दुगुणी रह जाती है। देखो ये पुत्र हुआ, इधरली साइड पुत्र लिखो और इधर लिखो पिता। एक पिता की आयु पुत्र की आयु का तीन गुना है, अगर पुत्र एक है तो पिता तीन है। दस वर्ष बाद, दस साल के बाद, कितने, दस साल के बाद, दस साल के बाद, ध्यान से समझे, पिता की आयु पुत्र की आयु की दुगुनी, अगर ये एक है तो ये दुगुना हो जाता है। अब चेंजिंग क्या आया, एक और एक में अंतर जीरो, तीन और दो में अंतर एक का, तो क्या करो, इसके बीच का अंतर एक और इसके बीच का अंतर दो, एक और दो के बीच अंतर एक, तीन और एक के बीच अंतर दो, तो उल्टी गुणा कर दो, ऊपर तो एक की और नीचे दो की गुणा किया, तो एक का एक में एक, तीन का एक में तीन, दो का एक में दो और दो का दो में चार, तो एक और दो का अंतर एक, तीन और चार का अंतर एक, अंतर क्या हो गया, बराबर। देखो बराबर का आ गया, नहीं आ गया, यहाँ भी एक यहाँ भी एक, और एक किसके बराबर, दस के, जो एक का मान है वो दस है, एक का मान कितना है दस। अब पूछ क्या लिया आपसे, इसने पूछ लिया पुत्र की वर्तमान आयु, तो पुत्र के पास कितना अनुपात है, एक और दस का एक में गुना किया, ये पुत्र था तो दस वर्ष, अगर पिता की पूछता तो दस दिया तीस, तो ए ऑप्शन क्या है दोस्तों आपका सही है। अगर पिता की पूछता तो दस का तीन में गुना किया, दस दिया तीस। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक ही पैटर्न पर क्वेश्चन चलता हुआ चला जाएगा। एक पिता की वर्तमान आयु पुत्र की आयु का पांच गुना है। देखो पुत्र इधर लिखा हमने, इधर क्या लिख दिया, पिता। एक पिता की वर्तमान आयु, ये वर्तमान वाली लाइन लिखेंगे भाई यहां पर। एक पिता की वर्तमान आयु पुत्र की आयु का पांच गुना है, अगर ये एक है तो पिता पांच गुना है। फिर क्या कहा, सात वर्ष के बाद, कितने, सात साल के बाद, सात साल के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की तीन गुनी हो जाती है, अगर ये एक है तो ये तीन गुना। अब क्या करो, एक और एक का अंतर जीरो, पांच और तीन का अंतर दो, अंतर क्या हुआ, अलग अलग आया। और दोस्तों तीन बार आप पढ़ चुके हो, जब अंतर बराबर अलग अलग आ रहा है तो अंतर को क्या करना है, बराबर करना है। तो एक और तीन के बीच का अंतर दो, पांच और एक के बीच का अंतर चार, यानी कि ऊपर तो दो से गुणा करे और नीचे चार से, यानी कि ऊपर तो दो से गुणा और नीचे चार से गुणा, दो का गुणा एक में दो ही कम दो, और दो का पांच में दो पंजे दस, चार का एक में गुणा चार और चार तिया बारह, चार का एक में गुणा चार ही कम चार और चार का तीन में चार तिया बारह, दो और चार का जो अंतर आया वो दो आया, और दस और बारह का जो अंतर आया वो दो आया।
अंतर क्या आ गया, बराबर आ गया। जब अंतर बराबर आ गया तो क्या करना, दो किसके बराबर, सात के, दो का मान सात। क्यों भाई, क्योंकि ये वैल्यू इसके बराबर आएगी, जो इसका डिफरेंस आएगा वो बाद और पहली वाली वाली क्या आयु के बराबर आएगा। दो का वैल्यू सात, तो एक का वैल्यू सात बट्टा, अब ये प्रॉब्लम आ गई भाई, ये वैल्यू कटती नहीं, अगर इसको काटते हैं तो पॉइंट में आता, तो पॉइंट में काटने की कोई जरूरत नहीं, एक सेकंड के लिए रोक लें। पूछा क्या, तो पुत्र की वर्तमान आयु, किसकी, पुत्र की। अब पुत्र की वर्तमान आयु पूछ ली, पुत्र की आयु, और कौन सी पूछी, वर्तमान, पुत्र की वर्तमान आयु। अब देखो पुत्र पे, पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र के पास जो है वो दो अनुपात है, पुत्र के पास दो अनुपात है, और एक अनुपात का मान सात बटे दो, तो क्या करेंगे, दो का गुणा कर लो सात बटे दो से। इसको साढ़े तीन भी कर सकते थे हम, लेकिन पॉइंट में मत उलझो, और दो से दो कट गया तो क्या आया, सात वर्ष। दो से दो कट गया तो आया कितना, सात वर्ष, और आया कितना, सात। और डी दोस्तों क्या आपका सही आंसर है, आप कन्फ्यूज मत होना कि सात तो दो से कट नहीं रहा, और पॉइंट में लेकर भी आने की कोई जरूरत नहीं, अगर लाना है तब ला सकते हैं, साढ़े तीन आ जाएगा, और दो का गुना साढ़े तीन से किया तो सात, तब भी वही आंसर आएगा। नेक्स्ट चलें, फिर वही उसी लेवल का क्वेश्चन पर मैं आपको लेकर चल रहा हूं, लेकिन अब की बार क्या कहा, पूर्व, अब की बार क्या कहा, पूर्व। और इससे पहले जितने क्वेश्चन थे, इससे पहले जितने क्वेश्चन थे उसके अंदर क्या कहा, बाद की आयु, तो ध्यान रखें पूर्व दिया क्या दिया, उसमें क्वेश्चन को ध्यान से रखें। तो क्वेश्चन में क्या कहा, एक पिता की आयु, देखो इधर क्या लिखा आपने, पुत्र लिख लिया, और इधर क्या लिखा, पिता लिख लिया। एक पिता की आयु पुत्र की आयु की दुगुनी है, तो इसका मतलब पिता की आयु पुत्र की आयु का दुगुना है, तो ये कब है, वर्तमान में, कब है, वर्तमान में। अगर पुत्र के पास एक अनुपात है तो पिता के पास कितना, दुगुना, दो अनुपात है। और 20 वर्ष पूर्व, भाई जब पूर्व की बात करी तो पूर्व वाली लाइन में लिखेंगे, मैंने आपको बताया था यहां पूर्व लिखते हैं और यहां बाद लिखते हैं। 20 वर्ष पूर्व, कितने साल पूर्व, 20 साल पहले पिता की आयु पुत्र की आयु का तीन गुना थी, अगर पुत्र एक था तो पिता तीन गुना था। अब बना वही क्वेश्चन, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है, वर्तमान वाली आयु पूछेगा तो मल्टीप्लाई भी वर्तमान वाली लाइन में करनी है, एक और एक अंतर जीरो, तीन और दो का एक अंतर। अब क्या किया, इसके बीच का अंतर किया एक और दो का एक, तीन और एक का दो, ऊपर तो गुणा किया एक से, इसका डिफरेंस है, और नीचे गुणा किया किस से, दो से। एक का गुणा एक से किया एक, एक दिया तीन, दो का गुणा एक से दो, और दो गुणा चार, तो डिफरेंस कितना आया, एक और दो का एक, तीन और चार का एक, कितना अंतर आया, एक। और एक किसके बराबर, एक यूनिट किसके बराबर, बीस के, एक यूनिट किसके बराबर, बीस के, क्यों, क्योंकि दिया हुआ है। तो जब एक यूनिट बीस के बराबर आ गया तो इसने किसकी आयु पूछी, पिता की वर्तमान आयु, किसके, पिता की। अब देखो यहाँ दो था पिता, पिता के पास यहाँ दो अनुपात थे, लेकिन यहाँ क्या हो गया, चार, और वर्तमान पूछा तो वर्तमान वाली लाइन में ही गुणा करेंगे, तो 20 का चार में गुणा किया, 20 का पिता की पूछ लिया, तो 20 चौक 80 वर्ष। और इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एक बात ध्यान रखने वाली है कि अगर आप 20 की गुणा एक में कर दे 20, ये भी ऑप्शन में मिलेगा, 20 की तीन में कर दे वो भी मिलेगा, 20 की दो में करें 40, और 20 की 40 में करें 20 चौक 80, सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे। लेकिन ध्यान रखना है जिसकी आयु पूछी उसमें ही मल्टीप्लाई करेंगे, पिता की पूछी तो चार, पिता के पास यहाँ दो अनुपात थे लेकिन यहाँ कितने हैं, चार, और मैंने कहा था गुणा इधर करनी है तो चार में गुणा किया तो 20 चौक 80, मतलब डी आंसर क्या दोस्तों आपका सही है। चलते हैं एक और ऐसे ही क्वेश्चन, इसी तरह के क्वेश्चन पर, 9 वर्ष पहले पिता तथा पुत्र की आयु का अनुपात। देखो पिता तथा पुत्र, पिता और पुत्र, 9 वर्ष, देखो यहां वर्तमान लिख लिया, यहां लाइन लिख लिया वर्तमान, और यहां लिख लिया पूर्व या पहले। 9 वर्ष पहले पिता तथा पुत्र की आयु का अनुपात 5:1 है, पिता 5 है तो पुत्र 1 है, पिता अगर 5 है तो पुत्र 1 है, फिर क्या हुआ, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 3:1 है, 3:1, और ये कितने साल पहले थी, 9 साल पहले, कितने, 9 साल पहले। फिर क्या कहा कि पिता की वर्तमान आयु या उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करो, 5 और 3 में अंतर 2 का, 1 और 1 में 0 का,
तो अंतर अलग अलग आ गया, क्वेश्चन क्या करना है भाई, अंतर को बराबर करना है। चार से पांच क्वेश्चन में मैं आपको अंतर करा चुका हूं बराबर, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। क्या करेंगे, बीच का अंतर लेंगे, तीन और एक के बीच का दो, पांच और एक के बीच का अंतर लिया दो, ऊपर भी दो से गुणा कर लिया और नीचे भी दो से गुणा। दो का पांच में दो पंजा दस, और दो का एक में दो पंजा दस, दो का एक में दो, दो का तीन में छह और दो का एक में दो, पांच अनुपात एक, अंतर तीन, सॉरी चार अंतर आया भाई। थोड़ा सा एक मिनट चेक करें, क्वेश्चन को चेक करें, यहां जो अंतर आया, यहां जो अंतर आया पांच और एक के बीच का अंतर जो बना वो चार बना। दोबारा देखें, पांच और तीन के बीच का अंतर दो, और एक के बीच का अंतर जीरो, तो क्या किया, यहां तीन और दो के बीच अंतर, तीन और एक के बीच दो का अंतर, पांच और एक के बीच चार का अंतर, तो ऊपर तो दो की गुणा और नीचे चार की गुणा, तो दो एकम दो पंजे दस और दो एकम दो, चार तिया चार का तीन में गुणा किया, चार का किस में तीन में गुणा किया, चार का तीन से गुणा किया तो चार तिया बारह, और चार का एक में गुणा किया तो चार, चार का तीन से बारह, चार का एक में चार, तो दस और बारह का अंतर दो, और दो और चार का अंतर दो, तो अंतर क्या आ गया दोस्तों, बराबर आ गया। अंतर को बराबर करके लेकर आना है, जब तक आप अंतर को बराबर करके नहीं लाओगे तो क्वेश्चन आप सोल्व नहीं कर पाओगे। और दो किसके बराबर भाई, नौ के, और एक किसके बराबर, नौ का बट्टा दो। अब ये फिर वैल्यू कटती नहीं, काटना चाहते हैं साढ़े चार आ सकता है, तो किसकी आयु पूछी, उनकी वर्तमान आयु। अब वर्तमान आयु 12 अनुपात 4 था, ये 10 था, ये 12 का वर्तमान वाली लाइन में चलो, देखो ये वर्तमान है 12 अनुपात 4, तो पिता की निकालो पहले, पिता पर 12 अनुपात थे तो 12 गुणा 9 बटे 2, और 2 से काट लिया 2 छिक्के 12 और 9 छिक्के 54, कितना है 9 छिक्के 54। वर्तमान वाली लाइन में गए 9 छिक्के 54 वर्ष, फिर पुत्र की पूछ लिया, पुत्र के पास कितने अनुपात है 4, 4 गुना 9 बटा 2, तो 2 से ये 2 बार कटा और 9 का दुगुना किया 18 वर्ष। और इसमें तो शायद आपका ऑप्शन क्या है, मैच नहीं हो रहा। जब ऑप्शन मैच नहीं हो रहा तो एक बार ऑप्शन को मैच कर लेंगे भाई, कोई से भी ऑप्शन को आप चेंज कर सकते हैं, कोई सी भी वैल्यू को आप चेंज कर सकते हैं। अब या मैं ई ऑप्शन करके लिख रहा हूं, इसका कितना ई ऑप्शन करके लिख रहा हूं, 54 वर्ष और कितना 18 वर्ष, 54 वर्ष और 58 वर्ष। दोबारा चेक करें, क्या कहा, 9 वर्ष पहले पिता तथा पुत्र की आयु का अनुपात, देखो 5 अनुपात 1, पिता 5 और पुत्र 1, फिर वर्तमान आयु का अनुपात 3 अनुपात 1, अंतर देखा 2 का अंतर 4 का, तो ऊपर तो 4 2 की गुणा और नीचे 4 की गुणा, 2 का 5 में 10 और 2 का 1 में 2, 4 का 3 में 12 और 4 का 1 में 4, 2 का अंतर और 2 का, और 2 किसके बराबर, 9 वर्ष पूर्व वो पहले का दिया था, 2 का अंतर 9, 1 का 9 का बटा 2। अब पिता की वर्तमान वाली लाइन 3 था, तो 3 का कितना है 12, तो 9 12 का गुणा किया, 12 का गुणा किया एक डिजिट के अनुपात 1 यूनिट के बराबर 9 बटा 2, 2 से कटा 6, 2 छिका 12 और 9 छिकी 54। पुत्र के पास 4 अनुपात थे तो 4 गुना 9 बटा 2, 2 से काट दिया 2 बार और 2 नम 18 वर्ष, और 18 ये तो हमें चेक ही नहीं हो रहा, तो जब नहीं चेक हो रहा तो मैंने दोस्तों ई ऑप्शन बना दिया 54 वर्ष और 18 वर्ष। ऑप्शन को या कोई भी ऑप्शन को आप चेंज कर सकते हैं। अगर आप देखें, देखो यहाँ गलत आंसर भी आ सकता है, 2 से 5 45 वर्ष, अगर यहाँ आप वैल्यू को रखते हैं तो गलत आंसर आ जाएगा, जिसमें क्या गलत में रखना है, वर्तमान वाली मोस्टली आयु पूछते तो वर्तमान की हमें बतानी है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन पर। अब की बार फिर दिया, 4 वर्ष पहले मोहन की आयु अपने पुत्र सोहन से 7 गुना थी। देखो सोहन कौन है, पुत्र है, सोहन इधर लिख लेंगे, सोहन कौन है, पुत्र है, और मोहन इधर लिख लिया, तो सोहन क्या है भाई, पुत्र है, सोहन क्या है, पुत्र है, तो लिख लिया 4 वर्ष पहले, कितने 4 साल पहले मोहन की आयु अपने पुत्र सोहन से 7 गुना थी। अगर सोहन 1 था तो मोहन 7 गुना था। फिर क्या कहा, वर्तमान मोहन की वर्तमान आयु सोहन से 5 गुना है। अब वर्तमान वाली लाइन में क्या कहा, वर्तमान वाली लाइन में मोहन की वर्तमान आयु सोहन से 5 गुना, अगर ये 1 है तो ये 5 गुना,
अगर सोहन एक है तो मोहन पांच गुना है, तो मोहन की वर्तमान आयु पूछा और कितने साल पहले था, चार। पूर्व था कितना, चार साल पहले। पूर्व था कितना, चार वर्ष पूर्व था। ये कितने वर्ष पूर्व था, चार। डिफरेंस देख लिया, एक और एक का जीरो, सात और पांच का दो का अंतर। भाई क्वेश्चन को दो अगर एक बार नहीं समझ में आएंगे, एक बार दोबारा वीडियो रिपीट करना तब समझ में आएगा। आयु का कंसेप्ट थोड़ा सा टफ पड़ता है। तो पांच और एक का अंतर देख लिया, पांच और एक का अंतर देख लिया चार का, सात और एक का अंतर देख लिया छः का। तो ऊपर तो गुणा किया चार का और नीचे गुणा किया छः का। चार का एक में गुणा चार, चार सत्ता अट्ठाईस। छः का एक में गुणा किया छः और छः पंजा तीस। छः चार और छः में दो का अंतर, चार और छः के बीच दो का अंतर, अट्ठाईस और तीस के बीच दो का अंतर, और दो किसके बराबर, चार के। दो यूनिट जो है वो चार के बराबर, क्यों, क्योंकि चार वर्ष दिया था। तो एक यूनिट किसके बराबर, चार का बटा दो, कितना आया दो। तो इसने क्या पूछ लिया, मोहन की वर्तमान आयु। अब देखो मोहन ये रहा, ये पांच था, लेकिन पांच के बाद कितना, तीस आया, और वर्तमान में इसके पास तीस अनुपात है। तो क्या किया, तीस का गुणा किया दो से, तीस दुनी साठ वर्ष। तीस का गुणा किया किससे, दो से, तीस दुनी साठ वर्ष। और साठ क्या है दोस्तों, बी ऑप्शन दोस्तों क्या आपका सही है। आयु का आपका कंसेप्ट थोड़ा सा उलझता चलता है, मतलब थोड़ा सा अप लेवल चलता है, थोड़ा सा ध्यान से आप इसको पढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब की बार क्या दिया, पहले की आयु भी दे दी और बाद की भी। देखो पहले क्या किया, आयु के क्वेश्चन में अनुपात बराबर था, दूसरे में क्या किया, अगले लेवल पर अनुपात को बराबर बराबर किया। अगले में क्या किया, आयु दे दी और पूर्व की दे दी। अब की बार क्या किया, लेवल चेंज हुआ कि पहली भी दे दी और बाद की भी दे दी, दोनों दे दी। अब देखा ध्यान से, एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र, अपने पुत्र भाई आपने नहीं, अपने पुत्र, एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु की तीन गुना थी। देखो ये पुत्र हुआ और ये पिता हुआ। दस वर्ष पूर्व, कितने साल पूर्व, दस वर्ष पूर्व। भाई पूर्व में दिया कितने, दस वर्ष पूर्व। तो पूर्व में दिया, क्या दिया, पूर्व में दिया। दस वर्ष पूर्व एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु की तीन गुनी थी। अगर पुत्र एक था तो पिता तीन था। और दस वर्ष बाद, मतलब वर्तमान की कोई आयु नहीं दी, और 10 वर्ष बाद वर्तमान की कोई आयु नहीं दी, और 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की कितने बाद, कितने 10 वर्ष के बाद, 10 वर्ष के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की दुगुनी हो जाती है। अगर ये एक है तो ये दो। अंतर देख लो, एक और एक में जीरो का, तीन और दो में एक का। तो अंतर बराबर करने के लिए क्या किया भाई, एक का अंतर और यहाँ कितने का, दो का अंतर। तो ऊपर तो किया कितने का, एक का गुणा, और नीचे किया दो का गुणा। उल्टी गुणा कर दी, ऊपर तो एक की और नीचे दो की। एक का एक में एक और एक थी या तीन, दो का एक में दो और दो दुना चार। एक और दो में दो, एक का अंतर, तीन और चार में एक का, और एक किसके बराबर, एक बराबर। देखो अब की बार पूर्व भी दे दी और बाद की भी दे दी, तो दोनों को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। जब पूर्व और बाद देगा तो पूर्व और बाद की जनसंख्या का देगा योग। 10 वर्ष पूर्व दिया और 10 वर्ष बाद दिया, तो दोनों को जोड़ लो, दोनों को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। 10 और 10 कितना, 20। तो एक अनुपात का मान कितना है, 20। अब पूछ लिया क्या, फिर ध्यान से देखा क्वेश्चन को, पूछ लिया क्या, तो पुत्र की वर्तमान आयु बताओ। देखो पुत्र के पास एक अनुपात था, अगर मैं एक की 20 में गुणा करूं तो 20 ही कम, 20 का 20। लेकिन ये तो ध्यान रखें, 20 आंसर भी मिल गया होगा आपका, कंफ्यूज मत होना क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या, वर्तमान उम्र, पुत्र की वर्तमान, ये वाली लाइन थोड़े से ध्यान से पढ़े, वर्तमान। अब ये आयु जो है वो 10 साल पहले है, कितनी, 20 वर्ष। और जब 10 साल आगे चलेंगे वर्तमान जाने के लिए, कितना, 10 साल पहले थी, तो 10 ही साल जोड़ देंगे, 20 और 10 30। तो 30 वर्ष दोस्तों क्या आया, आंसर आया कितना है, 30 वर्ष। और 30 वर्ष मतलब ए ऑप्शन दोस्तों क्या आपका सही है। अगर आप क्वेश्चन को जरा सा भी गलत करेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा।
एक और तीन था, एक और दो था, 10 वर्ष पूर्व था, 10 वर्ष बाद था, वर्तमान की उम्र नहीं दी, अंतर को देखा, अंतर बराबर नहीं तो बीच से गुणा किया, बीच के अंतर से गुणा किया, एक एकम एक, एक तिया तीन, दो एकम दो, दो दूनी चार, अंतर एक का, अंतर एक का आयु, तो हमें यह बतानी थी एक किसके बराबर, 20 के। अभी लाइन बताई कि पूर्व की और बाद की आयु दोनों जुड़ेंगी, 10 और 10 20, एक का अनुपात 20, पुत्र पर एक अनुपात था तो 20 कम 20, लेकिन ये तो पूर्व की थी 10 साल पहले, और वर्तमान की पूछी तो 10 साल आगे जाएंगे, 10 और 20 30। नेक्स्ट चलते हैं, इसी तरह का एक और क्वेश्चन चलते हैं। 6 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु का 7 गुना थी, देखो ये बी हो गया इधर और ये ए हो गया, कितने वर्ष पहले, 6, तो पूर्व कितने, 6 साल पहले। ध्यान से देखें, वही क्वेश्चन है सेम, 6 साल पूर्व ए की आयु बी की आयु का 7 गुना थी, तो अगर बी एक है तो ये 7 गुना था, और 6 साल के बाद मतलब वर्तमान आयु नहीं दिया, और 6 साल के बाद मतलब वर्तमान आयु नहीं दिया, वर्तमान आयु नहीं दिया, पूर्व की को माइनस लिख सकते हैं और बाद की को प्लस लिख सकते हैं, और वर्तमान भाई नहीं दिया, और वर्तमान की पूछेगा आयु किसकी, वर्तमान की पूछेगा, ध्यान रखें आप, कन्फ्यूज नहीं होना है आपको क्वेश्चन में। और एक या बी की, एक की आयु बी की आयु का 3 गुना थी, अगर ए बी एक है तो ये 3 गुना थी। अब इसका अंतर करें, दोबारा देखें क्वेश्चन को, ए की आयु बी की आयु का 7 गुना, अगर बी एक है तो ए 7 थी, अगर बी एक है तो, अगर बी एक है तो ए 3 गुना थी, अंतर देखो 0, 7 और 3 का 4, अंतर बराबर नहीं आया, तो अंतर को बराबर करेंगे, यहाँ कितना 2 का डिफरेंस और यहाँ 6 का, तो ऊपर तो 2 की गुणा किया और नीचे 6 की, तो 2 की गुणा 1 में 2 और 2 की गुणा 7 में 2 = 14, 6 की गुणा 1 में 6 और 6 = 18, भाई अंतर क्या हुआ, अंतर बराबर नहीं आया, अब की बार अंतर 2 और 6 का 4 आ गया, 4 14 और 4 का 18, 14 और 18 का 4 आ गया, और पूछ लिया वर्तमान आयु। अब 4 किसके बराबर भाई, अब 4 6 साल पहले और 6 बाद, मैंने अभी कहा पूर्व की और बाद की उम्र क्या होगा, पूर्व और बाद क्या होगा, जुड़ जाएगा, पूर्व और बाद क्या होगा, जुड़ जाएगा, 6 पूर्व और 6 बाद दोनों जुड़ जाएगा, 6 और 6 12, तो 4 का मान किसके बराबर, 12 के, तो 1 का मान 12 का/4, और 4 तिया 12, और 4 तिया 12, अब इसने क्या कहा, ए की वर्तमान आयु, अब ये तो बी था और ये ए था, पूछ किसका लिया, ए, तो 14 का 3 में गुणा किया, 14 का 3 में गुणा किया, 14 3 42, तो ए की आयु 42 है, लेकिन कितने साल पहले, 6 साल पहले, और इसने पूछ लिया वर्तमान, तो 6 को जोड़ देंगे, 42 में 6 जोड़ दिया, 42 से 6 जोड़ दिया तो 48, 48 से 6 जोड़ दे तो 48, और 48 मतलब सी ऑप्शन क्या आपका दोस्तों सही है, सी ऑप्शन क्या चाहिए, यहां भी गुणा कर लो, 18 = 54, 6 साल बाद किया और 6 साल पहले जाएंगे, 54 से 6 घटा तो 48 वर्ष। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन है भाई आपका, ए बी से 7 वर्ष बड़ा है, मतलब ए और बी बड़ा है, और बड़े को क्या बोल सकते हैं आप, अंतर बोल सकते हैं, बड़े का मतलब अंतर, अगर आपकी उम्र 20 साल है और आपके भाई की उम्र 22 साल है तो आपका भाई आपसे 2 वर्ष बड़ा है, अगर आपकी उम्र 20 साल है और भाई की 25 है तो 5 साल बड़ा है, और हमेशा आपका भाई आपसे 5 साल बड़ा ही रहेगा, अगर चाहे आपकी एज में कुछ ना भी चेंजिंग आ जाए लेकिन भाई की एज में भी ऐसे चेंजिंग आएगा, अगर आपकी उम्र 20 साल है और पिता की 40 साल है तो भाई मतलब पिता आपसे 20 साल बड़ा है, अगर 10 आपकी बढ़ गई तो आप 30 के हो गए तो पिता भी 10 बढ़ जाएंगे, 50 के हो जाएंगे, तो उम्र का अंतर हमेशा आप सेम रहता है, तो बड़ा है तो मतलब इसका क्या है, अंतर, ए बी से 7 वर्ष बड़ा है, मतलब ना इसकी पता ना इसकी पता, अंतर पता 7, और ये कब है, वर्तमान में, कब है, वर्तमान में, और फिर क्या कहा, 4 वर्ष के पश्चात मतलब बाद, और 4 साल के बाद ए की आयु बी से दुगुनी हो जाती है, अगर ये बी से दुगुनी हो जाए, बी से दुगुनी, अगर बी एक है तो ये दुगुना हो जाता है, और अंतर कितना, 1, और 1 किसके बराबर 7 के, 1 किसके बराबर 7 के, मैंने अभी बताया अंतर हमेशा बराबर ही रहता है, तो 1 अनुपात का मान कितना 7, और इसने किसकी पूछी, ए की वर्तमान आयु, तो ए पर 2 अनुपात है, 2 की 7 में गुणा किया 14, 2 की 7 में गुणा किया 14, और 14 तो इसमें आंसर है, लेकिन ध्यान रखें
पूछा क्या वर्तमान आयु, जब वर्तमान पूछा तो हम कितने साल बाद हैं, चार, तो चार साल पहले चले जाओ, 14 से चार घटा दो तो कितना हो गया 10 वर्ष, तो ध्यान रखें 10 वर्ष, तो 10 वर्ष आ गया और 10 वर्ष मतलब डी ऑप्शन आपका दोस्तों सही है। क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से करें, एक और क्वेश्चन इसी की तरह का देखा, राम श्याम से 6 वर्ष बड़ा है, 5 वर्ष बाद राम की आयु श्याम से 3 गुनी हो जाती है, राम बड़ा है, राम श्याम से, देखो राम और श्याम, राम और श्याम की जो आयु का अंतर है, बड़े का मतलब क्या है अंतर है, राम और श्याम की आयु का जो अंतर है वो 6 वर्ष है, कितने वर्ष है 6 वर्ष, राम और श्याम की जो आयु का अंतर है वो अंतर कितना है 6 साल है, ना राम की उम्र पता ना इसकी पता, अंतर पता 6 साल, और ये कब है वर्तमान में। फिर क्या कहा 5 साल के बाद, कितने 5 साल के बाद, और बाद वाली लाइन हम नीचे लिखते हैं, 5 साल के बाद क्या कहा राम की आयु श्याम से 3 गुनी हो जाती है, अगर श्याम के पास 1 है तो इसकी 3 गुनी हो जाती है, राम की कितनी 3 गुनी होगी, तो 1 और 3 का अंतर 2 और 2 किसके बराबर 6 के, तो 1 बराबर 6 का बट्टा 2 और 2 से काट लिया 3, तो 1 अनुपात का मान कितना 3, 1 अनुपात का मान कितना 3, तो इसने कहा राम की उम्र बताओ, राम की उम्र, राम की वर्तमान उम्र है, इसका मतलब क्या है राम की वर्तमान उम्र बताओ। अब देखो 3 और 3 की 3 से गुणा किया 3 तिया 9, क्यों किया क्योंकि 1 अनुपात का मान 3 और राम के पास 3 अनुपात है तो 9 होगी, अगर 9 तो कहीं आंसर में नहीं है, लेकिन क्या पूछा वर्तमान, तो कितने साल बाद है 5, तो 9 में से क्या करा 5 को घटा दिया तो कितना आ गया 4 वर्ष, कितना आ गया 4 वर्ष, 4 वर्ष, तो मतलब सी ऑप्शन क्या दोस्तों आपका सही है। ये थे आपके आयु के क्वेश्चन, इसी तरह के बिल्कुल बेसिक बेसिक से आपके क्वेश्चन आयु के बनते हैं, आप ध्यान से वीडियो को पढ़ें, पेन और पेंसिल लें अपनी और पहले रफ में करें फिर इसको फेयर में करें, बहुत ही जल्द आपसे एक और खुशखबरी मैं और नीलेश भाई शेयर करना चाहेंगे कि आप क्या करें, जिस तरह आपकी मैथ्स की क्लास चल रही है वो तो रेगुलर चलती चलती रहेगी, लेकिन 50 क्वेश्चन का मैं और नीलेश भाई आप लोगों के लिए एक सेट लेकर आ रहे हैं, जिससे पर डे आपकी जो आर्मी का ओरिजिनल पेपर से बना हुआ बिल्कुल बेस्ट से बेस्ट पेपर, जिस तरह का पेपर आता है 50 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन उसमें जीके के, 15 क्वेश्चन साइंस के और 15 क्वेश्चन उसमें मतलब मैथ्स के और 5 क्वेश्चन रीजनिंग के, वो सारा का सारा 50 क्वेश्चन का एक सेट आपके साथ मिले पर डे आपको एक्सप्लेन किया जाएगा, जो मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा आपके लिहाज से, आर्मी के एग्जाम के लिहाज से, चाहे आप ट्रेडमैन की तैयारी करें चाहे आप जीडी की तैयारी करें, तो सभी कमेंट करके नीलेश भाई के जब भी वीडियो जीके की जो वीडियो पढ़ाते हैं उसमें कमेंट करें या मेरे मैथ्स के उसमें वीडियो में कमेंट करें कि कब से आप वो क्लासेस चाहते हैं, अगर जल्द ही आप वो क्लासेस चाहते हैं तो जल्द से जल्द आपके लिए हम लोग मैं और नीलेश भाई दोनों ट्राई करेंगे, मैथ्स की जैसी क्लास आपकी चल रही है वो रेगुलर इसी तरह चलती रहेगी, पहले मैं आपका पूरा का मैथ्स कराऊंगा, अगर कोई आप लोग स्टूडेंट्स आप लोग कमेंट करते हैं कि सर हमें इस क्लास की जरूरत है, तो रेगुलर वो क्लास भी आपकी पर डे चलना शुरू हो जाएगी जिसके अंदर 50 क्वेश्चन होंगे। ये था दोस्तों आपका आयु का चैप्टर, बड़े ध्यान से रिवाइज करें इसको और मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद दोस्तों।